डी यर स्टूडेंट्स नो वी विल डिस्कस फाइनेंशियल एंड बिजनेस इम्पैक्ट ऑन ऑकुपेनल हेल्थ एंड सेफ्टी इंट्रोडक्शन आकुपेशनल इंजरी एंड इलनेस आर मैटर्स ऑफ हेल्थ दे आर आल्सो मैटर ऑफ इकोनॉमिक सिंस सिस्टम वर्क फ्रॉम वर्क इज इन इकोनॉमिक एक्टिविटी अब जो ओवरऑल क्वेश्चन यहाँ पर डेवलप होता है वो आकोपेशनल सेफ्टी हेल्थ के कंटेक्ट में कुछ चीज़ों का फाइनेंशियल इम्पैक्ट होता है कुछ का सोशल इम्पैक्ट होता है कुछ का नॉन फाइनेंशियल इम्पैक्ट होता है तो ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं जिनको देखना जानना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कैसे इट इज़ देयर फॉर अ वेरी ब्रॉड परस्पेक्टिव बट इट इज़ नॉट कम्प्लीट बिकॉज नीदर दी कॉजेशन नॉल दी ह्यूमन सिग्निफिकेंस ऑफ आकुपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ कैन बी रिड्यूस्ड टू इट्स इकोनॉमिक एलिमेंट आप इसको सिर्फ इकोनॉमिक एलिमेंट तक नहीं ला सकते कि ऑर्गेनाइजेशन कितना प्रॉफिट अर्न कर रही है कितनी कास्ट रिड्यूस कर रही है कितनी प्रोडक्टिविटी एनहांस कर रही है इसके अलावा उसके जो स्टेक होल्डर पर उसका इम्पैक्ट है उसको जानना भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि किस तरह ऑर्गनाइजेशन के अंदर बिज़नेस के इम्पैक्ट आ रहा है पूरी सोसाइटी को किस तरह से वो इन्फ्लुएंस कर रही है मैं कुछ जगह पे स्टडी कर रहा था तो एक चीज़ मेरी नज़र से गुजरी वो ये है कि जो मल्टी नेशनल कंपनीज़ हैं वो मुख्तफ़ कंट्रीज़ का कल्चर बनाने में बहुत ज़्यादा अमल दखल उनका है मल्टी नेशनल कंपनीज आपको मालूम है जिनके ऑपरेशन दो या दो से ज़्यादा ममालिक में होते हैं जैसे नेशनल ऑर्गेनाइजेशन है स्विट्ज़रलैंड बेस्ड ये मोर दैन टू हंड्रेड कंट्रीज़ में एग्जिस्ट कर रही है तो यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो ये है कि मल्टी नेशनल ऑर्गेनाइजेशन की वजह से मुख्तफ नेशंस के कल्चर में काफ़ी तब्दीली आई है तो यहाँ पे जो क्वेश्चन पैदा होता है वो ये है कि फाइनेंशियल बिजनेस इम्पैक्ट ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर डेवेलप कर रहा है फाइनेंशियल इम्पैक्ट स्पेसिफिकली क्या है ऑन वन साइड वी हैव द ऑफ इम्प्रूविंग द कंडीशन ऑफ वर्क अगर वर्किंग कंडीशन को हेल्थ हम हेल्थ की बात कर रहे हैं सेफ्टी की बात कर रहे हैं अगर वर्किंग एनवामेंट को बेहतर किया जाता है तो उस पर क्या स्पेंड होगा पैसा स्पेंड होगा वो एक कास्ट है कास्ट एक फाइनानशियल इम्पैक्ट है जो कि बिजनेस के ऊपर इन्फ्लुएंस करेगी आई इन आर्डर टू तो रिड्यूस द इंसिडेंट्स ऑफ इंजरी एंड डिजीज अगर हम फर्दर चाहते हैं कि इंजरी और डिजीज़ मजीद कम हो जाए तो हमें मजीद पैसा स्पेंड करना पड़ेगा वो मजीद पैसा स्पेंड करके ऑर्गेनाइजेशन के जो स्टैंडर्ड्स हैं वो मजीद बेहतर किए जा सकते हैं टेक्नोलॉजी इंप्रूव की जा सकती है इसके अलावा एम्प्लाईज़ जो पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट पहनते हैं उनको ख़रीदने के लिए यू हैव टू पे यू हैव टू गेट मनी इसके अलावा आकूपेशनल सेफ्टी हेल्थ एसोसिएशन के स्टैंडर्ड्स लेने के लिए उनकी फ़ी पे करनी पड़ेगी उसके अलावा जो उनकी ट्रेनिंग मेड्यूल्स है जो उनके एक्सपर्ट्स आ रहे हैं उन सब के लिए अरेंजमेंट्स आपको करने होंगे तो ये तमाम चीज़ों के ऊपर जो फाइनेंशियल इम्पेक्ट है वो लाजमी आता है लेकिन फाइनेंशियल इम्पेक्ट एम्प्लॉय की लाइफ से ज़्यादा कीमती नहीं होता याद रखिएगा अगर ऑर्गेनाइजेशन इन चीज़ों को इग्नोर कर दे कि फाइनेंस बहुत ज़्यादा उसमें इन्वॉल्व हो भी रहा है लेकिन एम्प्लॉय की लाइफ हमारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो बिलीव मी वो ऑर्गेनाइजेशन को ज़्यादा बेनिफिट देगा एज कम्पेयर टू दोज ऑर्गेनाइजेशन जो फाइनेंशियली ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कम कंट्रीब्यूट कर रही हैं इस तरह की एक्टिविटीज़ में फाइनेंशियल इम्पैक्ट को फर्दर देखा जाए तो इसमें फोर डी स्टूडेंट्स आस्पेक्ट्स हैं इकोनॉमिक वर्सेज नॉन इकनॉमिक कॉस्ट प्राइवेट वर्सेज सोशल कॉस्ट कॉस्ट शिफ्टिंग फाइनेंशियल वर्सेज इम्प्लिसिट कास्ट इनको एक एक लाइन में मैं आपके लिए बयान कर देता हूँ इकनॉमिक के अंदर मैं अभी आपको बता रहा था कि अगर आर्गेनाइजेशन के अंदर वर्किंग एन्वायरमेंट को बेहतर किया जाए तो उस पर कास्ट आती है ये फाइनेंशियल कास्ट है जो आपको पे करनी पड़ेगी नॉन फाइनेंशियल कास्ट अगर वहाँ पे सफाई का इंतजाम रखते हैं तो उसकी वजह से एम्प्लॉ के चांसेस हैं वो बीमार कम होंगे तो ये नॉन फाइनेंशियल कास्ट है नीट एंड क्लीन इन्वायरमेंट देने से भी काफ़ी हद हाँ तक ऑर्गेनाइजेशन ग्रो कर रही होती है एम्प्लॉ ग्रो कर रहे होते हैं प्राइवेट वर्सेस सोशल कास्ट प्राइवेट जो कि एम्प्लॉज की तरफ से कास्ट इन्वॉल्व होती है बिज़नेस को ग्रो करने के लिए समाइम गवर्नमेंट मसलन आपकी रोड सड़कें ब्रिजिज इतने नीट एंड क्लीन है वहाँ पे फैक्ट्री लोकेटेड है आपको आउटसाइड द फैक्ट्री चीज़ें नीट क्लीन करने की ज़रूरत भी पेश नहीं आती तो गवर्नमेंट भी उसमें कंट्रीब्यूट कर रही होती है और सोशल कास्ट में जो सोसाइटी की कास्ट आपके ऊपर पे की जाती है वो सोसाइटल या सोशल कास्ट है जो कि सोसाइटी सम टाइम भी करती है आपकी ऑर्गेनाइजेशन को ग्रो कराने में या चलने में मसलन आप किसी ऐसी जगह पर बिज़नेस कर रहे हैं जहाँ पर शोर हो रहा है तो वहाँ पे वो जो सोसाइटी है वो सफ़र हो रही होती है इनडायरेक्टली या आपकी आर्गनाइजेशन से कंटेमिनेटेड वाटर डिस्चार्ज होकर गलियों में जा रहा है जिससे आगे कई किस्म के ज़रासीम पैदा हो रहे हैं तो ये चीज़ें सोशल कास्ट का इस्पैक्ट होती हैं कास्ट शिफ्टिंग कास्ट चाहे फिक्स कास्ट है वेरिएबल कास्ट है, है वो कास्ट का हिस्सा है इसको ओवर द पेरियड ऑफ टाइम डिवाइड भी किया जा सकता है कि अब आप आपको मालूम है कि आर्गेनाइजेशन ने अपने कास्ट फिक्स को तो पे करना ही करना है और वेरिएबल कास्ट वो है जो मटेरियल में इजाफा करने से प्रोडक्शन में इजाफ़ा करने से मटेरियल में इजाफा करना पड़ेगा या प्रोडक्शन में इजाफा होगा तो मटेरियल में इजाफा होगा तो कास्ट आपकी ज़्यादा होगी तो ये वेरिएबल कास्ट आपकी इनक्रीज हो जाएगी रेंट ऑफ बिल्डिंग फिक्स है वो फिक्स कास्ट है कि अगर आप प्रोडक्शन करें या ना करें जो आपको पे करना पड़ेगा तो कास्ट शिफ्टिंग का कंसेप्ट भी ऑर्गेनाइजेशन यूज़ कर रही है कि उसको ओवर अ पेरियड ऑफ टाइम डिवाइड भी किया जा सकता है और लास्ट फाइनेंशियल वर्सेस इम्प्लीसिड कास्ट इम्प्लीसड जो हिडन है ऑर्गेनाइजेशन के हर हाँ एस्पेक्ट को शामिल करने के बाद बनती है मस अपॉर्चुनिटी कास्ट भी सम समटाइम देखी जाती है कि अगर हम आज ये प्रोजेक्ट कर रहे हैं कल को ये प्रोजेक्ट ना किया जाए कि और कर लिया जाए लेकिन वो जो प्रोजेक्ट आपने छोड़ा उसकी कास्ट आपको बिगे करनी पड़ेगी तो इस तरह से ये फाइनेंशियल इम्प्लीसिड कास्ट ये सारे कंसेप्ट डिवेल्प होते हैं और मर्ज होते हैं तो मैं ओवरऑल आपको कंक्लूड ये स्टूडेंट्स ये करना चाहता हूँ कि फाइनेंशियल इम्पेक्ट बिजनेस पे आता है लेकिन ऑर्गेनाइजेशन की आकोपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ के मुकाबले में इसकी परसेंटेज बहुत कम होती है